राजधानी दिल्ली में बारिश ने कहर मचाया हुआ है। कहीं पेड़ टूटकर गिर रहे हैं, कहीं वाटर लॉगिंग है, कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो कहीं ट्रैफिक जाम है। दरअसल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बात की घोषणा की है कि राजधानी दिल्ली में बारिश ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 8:30 बजे से पिछले 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 1982 के बाद जुलाई में एक दिन में सर्वाधिक बारिश है। इस लिहाज से देखा जाए तो जुलाई महीने में पिछले 40 सालों में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश मानी जा रही है। वहीं रविवार के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर कनॉट प्लेस तक और बैकवर्ड इलाके तक सभी पानी में लिप्त नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले आने वाले कई दिनों तक राजधानी दिल्ली में इसी तरह से तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके बाद लगातार दिल्ली की जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दिल्ली में पीडब्ल्यूडी और एमसीडी बिल्कुल भी तैयार नहीं है मौसम की इस अचानक हुई भरमार के लिए।